बिहार में पिछले दो दिनों से जारी उमस भरी गर्मी ने जहां लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, वहीं मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे में फिर से राज्य के 28 जिलों में रिकॉर्ड गर्मी पड़ेगी। इस दौरान पारा 45 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। लेकिन उमस भरी गर्मी के बीच राज्य के 9 जिलों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं मुजफ्फरपुर में लोग तपिश भरी गर्मी से बचने के लिए नारियल पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम लोग नारियल का पानी पी रहे हैं ताकि कुछ तो राहत मिल सके। वहीं एक शादीशुदा जोड़ा अपने बच्चों को लेकर नारियल पानी पीने पहुंचा, जिन्होंने कहा कि बहुत ही गर्मी है इसलिए नारियल पानी पी रहे हैं। कहां गए बच्चा? बाबू को सुई दिलवाने गया था, इंजेक्शन दिलवाने। गर्मी ज्यादा है? गर्मी तो बहुत ज्यादा है, नारियल पानी इसीलिए पी रहे हैं नारियल पानी। वहीं दूसरे कई लोगों ने कहा कि जिले में काफी गर्मी पड़ रही है जिसके कारण लोग बेचैन हैं, लेकिन नारियल पानी कुछ राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। साथ ही कहा कि गर्मी में नारियल का पानी पीने से काफी फायदा भी होता है। नारियल पानी पी रहे हैं, गर्मी ज्यादा है इसलिए पी रहे हैं। राहत मिलता है? जी जी, राहत मिलता है, इम्यूनिटी पावर को भी डेवलप करता है इसलिए पी रहे। जी जी, काफी गर्मी है, उमस भरी गर्मी है इसलिए पी रहे। जी जी जी, बिल्कुल, लेकिन काम है तो निकलना ही पड़ता है। गर्मी के कारण राहत मिलता है। यह विश्वास है कि नारियल पानी पियेंगे तो जो एनर्जी लॉस हो रहा है इस गर्मी में, वो एनर्जी हमारी कुछ सेव होगी, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। अब ये वास्तविकता क्या है, साइकोलॉजिकल ये है, है हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, निकलना मुश्किल है। बहुत राहत है, ये छिलवा के लिए हाँ, तो एक पैकेज है, पीना चाहिए, पेट में भी फायदेमंद है, आदमी को भी राहत मिलता है। हाँ, गर्मी तो ज़्यादा है, हाँ हाँ, इसीलिए नारियल पानी पी रहे हैं। अभी आए थे डॉक्टर पास। गर्मी बहुत ज़्यादा जी, इसलिए हम नारियल पानी पी रहे हैं जी। फायदा करेगा? हाँ हाँ, गर्मी में पी रहे हैं तो फायदा ही करने के लिए। कैसा है जहाँ प्रभाव? गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, 40 डिग्री है। हाँ, नारियल पानी अभी 40 डिग्री के आसपास है, इसीलिए नारियल पानी पी रहे हैं। क्या बहुत धूप है? हाँ, गर्मी है बहुत ज़्यादा। क्या कर रही है? नारियल पानी पी रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें, और इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।